हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ चैप्टर फर्स्ट इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मींस रसायन की भाषा। केमिस्ट्री मींस रसायन, लैंग्वेज मींस भाषा। The name of topic is chemical equation. Please student, listen carefully. Let's see the topic. First of all, we will go through the topic chemical equation. Student, you know that an element is represented by a symbol. आप ये जानते हो कि कोई भी एक एलिमेंट तत्व है तो उस तत्व को सिंबल मीन्स चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड अ कंपाउंड बाय अ फार्मूला। कंपाउंड मीन्स यौगिक, और जो यौगिक होता है उसे हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला मीन्स सूत्र। अ केमिकल चेंज is represented by an equation is called a chemical equation. ये chemical equation की definition है, means परिभाषा है। Chemical equation को हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और chemical change को हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो कह रहा है कि a chemical change, कोई भी एक रासायनिक परिवर्तन, इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इक्वेशन, जिसको हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को उसे हम केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इक्वेशन में समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन अ सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन होने पर जो आपका ये प्रोडक्ट CO2 बन रहा है, इस पूरे को देखिए, हमने यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। और इस केमिकल इक्वेशन में एरो से पहले जो आप कार्बन और ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये आपका रिएक्टेंट्स मीन्स अभिकर्मक है, और दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद जो आगे आपको CO2 प्राप्त हुआ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशियंट, और मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशियंट है, मीन्स उचित मात्रा में नहीं है रिएक्शन करने के लिए कार्बन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, CO। लेट अस एक्सप्रेस द रिएक्शन दस। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं, C+O2 इज इक्वल टू CO। अब यहाँ पर देखिए, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशियंट थी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या बना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये हमने आप लोगों को जो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है, इसकी आप लोग डिफिनेशन लर्न करिएगा, और साथ साथ ये रिएक्शन जो मैंने बताया आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की सफिशियंट अमाउंट में क्या बनता है और इनसफिशियंट अमाउंट में क्या बनता है, इन दोनों रिएक्शन को भी लर्न करिएगा। थैंक यू।